हेलो क्लास फिफ्थ स्टूडेंट्स। सो लास्ट टाइम पे हमने आर एनवायरनमेंट स्टार्ट किया था, तो इस पे हमने दो चीज पढ़ी थी। सबसे पहले नेचुरल एनवायरनमेंट किस किस से बना होता है, लैंड वाटर एयर प्लांट एंड एनिमल। इसमें और ये टू मेन चीजों से कंपोनेंट से बना होता है, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक वो होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे प्लांट एनिमल, और एबायोटिक कंपोनेंट कौन से होते हैं, लैंड वाटर एंड एयर जो नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने फोर स्फीयर पढ़े थे, कौन कौन से, लिथोस्फीयर लैंड, हाइड्रोस्फीयर वाटर, एटमॉस्फेयर एयर एंड बायोस्फीयर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये हमारे इन चारों में ही क्लासिफाई हो जाते हैं। लिथोस मीन स्टोन, एटमॉस्फीयर एयर, हाइड्रो मीन वाटर एंड बायोस मीन लाइफ। ठीक है, फिर हमने लिथोस्फीयर में पढ़ा था, तो कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर कौन सा होता है, पार्ट एसोसिएटेड विद कॉन्टिनेंट, एंड ओशियनिक लिथोस्फीयर मतलब द पार्ट एग्जिस्ट इन द ओशियन बेसिन। फिर हमने लेयर ऑफ अर्थ भी पढ़ा था, लेयर ऑफ अर्थ में क्या आता है, क्रस्ट मेंटल एंड कोर। तो क्रस्ट कौन सी होती है, सबसे ऊपर आउटर मोस्ट लेयर को हम क्रस्ट बोलते हैं, जो सॉइल और हार्ड रॉक से बनी होती है। फिर उसके बाद आती है लिथोस्फीयर में मेंटल, जो उसे बोलते हैं मिडिल लेयर, थिकर देन द क्रस्ट, एंड द थर्ड लेयर इज नोन एज द कोर। कोर कौन सी होती है, सबसे नीचे वाली लेयर। द आउटर कोर इज लिक्विड एंड द इनर कोर इज सॉलिड। तो कोर में भी आउटर कोर जो है लिक्विड होती है और इनर कोर जो है सॉलिड होती है। अब हम आगे पढ़ेंगे हाइड्रोस्फीयर, तो ये मैंने पुराना रिवाइज करा दिया आपको। द हाइड्रोस्फीयर इज द स्फीयर ऑफ वाटर ऑन अर्थ, इट इज एसेंशियल फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विद वाटर एंड 29% ऑफ इट्स लैंड। तो जो अर्थ की सरफेस है वो 71% अर्थ सरफेस वाटर से कवर्ड है और 29% लैंड से कवर है। बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज वाटर सरफेस ओवर अर्थ इज नोन एज ब्लू प्लैनेट और द वॉटरी प्लैनेट। तो ये लार्ज वाटर सरफेस होने के कारण इसे ब्लू प्लैनेट या फिर वॉटरी प्लैनेट बोला जाता है। द फाइव मेजर ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड मेक अप द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर। जो फाइव मेजर ओशियंस हैं वर्ल्ड के, वो क्या बनाते हैं, लार्जेस्ट पार्ट बनाते हैं हाइड्रोस्फीयर का। मतलब जो सारे ओशियन को हम मिलाएं तो वो हाइड्रोस्फीयर को 70% बना देते हैं। ओशियंस एंड सी वाटर इज सेलाइन एंड नॉट फिट फॉर कंजम्पशन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ओशियन का पानी और जो सी का पानी होता है वो सेलाइन होता है, मतलब नमक वाला होता है, जो हमारे कंजम्पशन के लिए फिट नहीं होता। फ्रेश वाटर ऑन अर्थ इज लेस देन 1%, पहले ये 3% था फ्रेश वाटर, अब लेस देन 1% रह गया है। तो इसलिए हमें वाटर को सेव करना चाहिए। ओनली फ्रेश वाटर इज सूटेबल फॉर ह्यूमन बींग्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। फ्रेश वाटर इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड अंडरग्राउंड वाटर। रेन इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। तो रेन जो है एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है फ्रेश वाटर का। द यूनिक वाटर साइकिल ऑन अर्थ, तो जो अर्थ है उसकी एक यूनिक वाटर साइकिल है, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। द अर्थ वाटर इज ऑलवेज इन मोशन, इट इज ऑलवेज चेंजिंग स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टू आइस एंड बैक अगेन टू लिक्विड। द हीट ऑफ द सन कॉजेज वाटर टू इवेपोरेट फ्रॉम द वाटर बॉडीज। जो सन की हीट रेज आती हैं उसकी वजह से जो वाटर है वो वाटर बॉडी से इवेपोरेट होता है इनटू द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट होता है। देखिए ये वाटर बॉडी, यहाँ से इवेपोरेशन हुआ सन की हीट रेज की वजह से। ठीक है, अभी ऊपर जाके क्या होता है, क्लाउड की फॉर्म में कंडेंस होता है। कंडेंस होने के बाद फिर क्या होती है, बारिश होती है, फिर बारिश से फिर से ये नीचे जमा हो जाता है। या फिर ये जो हमारा एक और तरीका है, जो ये स्नो में वाटर होता है ये सन रेज की वजह से पिघलता है, वाटर बॉडीज में जाता है, वाटर बॉडी से इवेपोरेट होके क्लाउड बनते हैं, क्लाउड बन के फिर कंडेंसेशन होता है। तो ये हमारी साइकिल चलती रहती है। प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो रिलीज वाटर वेपर इन टू द एटमोसफेयर एज दे ब्रीथ। द प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। वेन द एटमोसफेयर कूल्स, वाटर वेपर कंडेंसेस टू फॉर्म क्लाउड्स विच कॉज प्रेसिपिटेशन।
इन द फॉर्म ऑफ रेन और स्नो। ठीक है, तो जैसे ही एटमॉस्फेयर कूल होता है वाटर वेपर कंडेंस होने लगती है टू फॉर्म क्लाउड। क्लाउड बने विच कॉज प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मतलब पानी रेन की फॉर्म में गिरता है या फिर स्नो के फॉर्म में, स्नोफॉल होती है स्नो के फॉर्म में। ठीक है, इन दिस वे इवेपोरेटेड वाटर कम्स बैक टू द अर्थ। जो इवेपोरेट होता है वो कंडेंस होकर वापस अर्थ पे आ जाता है। When the snow melts from the mountains and glacier, it adds water to the river and ocean. जैसे ही स्नो मेल्ट होती है माउंटेन और ग्लेशियर से, ये भी जो वाटर है वाटर बॉडीज में वाटर को देती है। फिर क्या होता है, द कंटिन्यूस प्रोसेस बाय विच वाटर इज सर्कुलेटेड थ्रू आउट द अर्थ एंड एटमोसफेयर थ्रू इवेपोरेशन कंडेंसेशन प्रेसिपिटेशन एंड ट्रांसपिरेशन बाय चेंजिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर इज नोन एज वाटर साइकिल। तो जो ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, जो वाटर ऊपर जाता है सर्कुलेटेड अर्थ एटमोसफेयर पे, हम इसे क्या कहते हैं, वाटर साइकिल। ये पूरे प्रोसेस को बार बार, इवेपोरेशन कंडेंसेशन स्नो में बनना या फिर प्रेसिपिटेशन होना, ट्रांसपिरेशन एनिमल और प्लांट से भी हमारा वाटर वेपर निकलते हैं बॉडी से, तो इस पूरे प्रोसेस को इंक्लूडिंग ट्रांसपिरेशन इसे हम कहते हैं वाटर साइकिल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोलॉजिक साइकिल। वाटर हैज बीन रिसाइकल्ड इन डिफरेंट फॉर्म एस आइस लिक्विड और वेपर फॉर बिलियंस ऑफ ईयर्स। तो ये बिलियंस ऑफ ईयर से ये सब हुआ जा रहा है। वी नीड वाटर फॉर वेरियस पर्पस इन आर डेली लाइफ, फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड फॉर वाटर वेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। हमें वाटर वेरियस पर्पस के लिए चाहिए होती है डेली लाइफ में। ठीक है, ऑल मैरीन लाइफ डिपेंड ऑन वाटर फॉर देयर सर्वाइवल। ओशियंस करंट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट। ऑल लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन दिस यूनिक वाटर साइकिल। जो अर्थ की लाइफ है ये यूनिक वाटर साइकिल पे डिपेंड रहती है। द एटमोसफेयर इज अ थिन लेयर ऑफ कलरलेस एंड ओडरलेस गैसेस इन द एयर। जो एटमोसफेयर है हमारी वो उसमें कलरलेस और ओडरलेस गैसेस से बनी होती है। विच सराउंड आर प्लेनेट, ये हमारे प्लेनेट को सराउंड करती है। मोस्ट ऑफ आर एटमोसफेयर इज लोकेटेड क्लोज टू द अर्थ सर्फेस। जो हमारी एटमोसफेयर है अर्थ के सर्फेस से काफी क्लोजली लोकेटेड है। द एटमोसफेयर एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर। एयर कंसिस्ट ऑफ 78% ऑफ नाइट्रोजन, 21% ऑफ ऑक्सीजन एंड द रिमेनिंग 1% इज कम्पोज्ड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नियोन, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, मीथेन एक्सेट्रा इन वेरी स्मॉल ट्रेसेस। तो हमारी जो अर्थ सरफेस पे एटमॉस्फेयर है उसमें हमारी जो वाटर लेवल है, सी लेवल कहते हैं हम, तो ग्राउंड लेवल से ये 1600 किलोमीटर तक ऊपर तक हाइट तक एक्सटेंडेड है, जिसमें 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है, 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट है एंड द रिमेनिंग 1% क्या है हमारी, ये सब मिक्सचर ऑफ गैसेस है। द एटमॉस्फेयर इज एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। जो हमारी एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही एसेंशियल है जो अर्थ पे हमारी लाइफ है। ऑक्सीजन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर प्लांट्स फॉर मेकिंग देयर फूड। जो ऑक्सीजन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, ह्यूमंस एंड एनिमल्स के लिए, सर्वाइवल के लिए। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो असेंशियल है प्लांट्स के लिए, जिससे कि वो फूड बनाते हैं। द ओजोन लेयर एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द सन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इट्स हार्मफुल इफेक्ट। जो ओजोन लेयर है वो क्या करती है, सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है उससे हमें प्रोटेक्ट करती है। जो हमारा एटमॉस्फेयर है आउटर मोस्ट लेयर से ओजोन से सराउंडेड है, मतलब जो अर्थ है उसमें सबसे पहले वाटर और लैंड है, फिर उसके ऊपर एटमॉस्फेयर की लेयर है। एटमॉस्फेयर की जो आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ की, उसे हम कहते हैं ओजोन लेयर। तो इसका हार्मफुल इफेक्ट होता है जैसे कि स्किन कैंसर, तो ओजोन लेयर हमें इससे बचाती है। इन एडिशन टू द गैसेस द एटमॉस्फेयर आल्सो कंसिस्ट ऑफ डस्ट पार्टिकल एंड वाटर वेपर। तो इन सब एडिशन में जो एटमॉस्फेयर है वो किससे, डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर से प्रेजेंट होता है हमारे एटमॉस्फेयर में भी।
The water vapor in the atmosphere helps in controlling the temperature of a place and helps in formation of rainfall. जो water vapor present होता है air में वो क्या करता है, एक तो temperature control करने में help करता है और साथ में formation of rainfall, rainfall भी होती है. Life would be impossible without the atmosphere. Atmosphere के बिना life impossible सी होती है. Biosphere. The biosphere include all the three components. बायोस्फीयर में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, लैंड वाटर एंड एयर. वेयर द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फाउंड, जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं. बायोस्फीयर इज कंपोज्ड ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन द लैंड इन एयर और इन डीप वाटर फ्रॉम द माइन्यूटेस्ट बैक्टीरिया टू द लार्जेस्ट लिविंग क्रिएचर फ्रॉम द पोलर आइस कैप्स टू द इक्वेटर. Every part of the planet supports life of some kind. तो जो हमारा अर्थ है उस पे every part, चाहे वो अंटार्कटिका में कोल्डेस्ट रीजन हो या फिर कोई डेजर्ट में हॉटेस्ट रीजन हो, हर जगह किसी न किसी प्लांट्स या फिर लिविंग क्रिएचर के लिए लाइफ एग्जिस्ट करती है, क्योंकि उनका बॉडी ही इस तरीके से डिजाइन होती है कि वो उस एरिया में सर्वाइव कर पाए. Each living organism has its natural home or specific environment in which it exists. This is called its habitat. All living beings in a particular area, plants, animals and other living organisms which functions together as a unit in environment form an ecosystem. So, ecosystem kaun kaun form karte hain? Sare plants. एक पर्टिकुलर एरिया में एनिमल्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो वहां पे रह रहे हैं, जो सब एक साथ फंक्शन करते हैं एनवायरनमेंट में, वो सब एक फॉर्म करते हैं इकोसिस्टम. बायोस्फीयर मेक्स लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ, देयरफॉर इट इज कॉल्ड द जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. जो बायोस्फीयर है उसकी वजह से अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है, तो इसी को हम कहते हैं जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश हुआ. मैं आपको इसकी एक्सरसाइज की पीडीएफ फॉर्म में भेज दूंगा. लाइफ इज पॉसिबल ऑन अर्थ बिकॉज इट हैज एन एनवायरनमेंट. द एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ फोर स्फीयर, ये हमने पढ़ा ना, चार स्फीयर, द फोर स्फीयर ऑफ एनवायरनमेंट. कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर इज एसोसिएटेड विद डैश. तो कॉन्टिनेंटल जो लिथोस्फीयर है वो किससे एसोसिएट होती है, ये भी हमने पढ़ा, किससे, ओशियन बेसिस से. अर्थ इज कॉल्ड डैश प्लेनेट, अर्थ को क्या कहते हैं, ब्लू प्लेनेट. तो ये भी हमारे फिलअप्स हो गए. बायोटिक मीन्स रिलेटेड टू लाइफ, बायोटिक मीन्स लिविंग बींग्स, मतलब लाइफ, ट्रू. एटमोसफियर कंटेन्स ओनली ऑक्सीजन, तो स्टूडेंट्स इसका आएगा फॉल्स, मैंने गलती से ट्रू लिख दिया है. एटमोसफियर में ऑक्सीजन के अलावा और भी गैसेस प्रेजेंट है, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स, ओनली ऑक्सीजन नहीं है. ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द सन, तो इसका आंसर आएगा ट्रू, ये मैंने उल्टा लिख दिया शायद. देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ, तो फ्रेश वाटर हमारा लार्ज अमाउंट में है, नहीं, क्यों, क्योंकि फ्रेश वाटर हमारा से 1% अवेलेबल है, ये भी हमने पढ़ा था. द स्फीयर ऑफ वाटर ऑन अर्थ, तो स्फीयर ऑफ वाटर ऑन अर्थ को हम क्या कहते हैं, वाटर स्फीयर को हाइड्रोस्फीयर. द स्फीयर ऑफ लैंड, लैंड को क्या हम कहते हैं, लिथोस्फीयर. अ थिन लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ, तो थिन लेयर ऑफ गैस को किसे कहते हैं हम, एटमोसफियर. द नेचुरल एनवायरमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो नेचुरल एनवायरमेंट को हम बोलते हैं हैबिटेट. लिथोस्फीयर इज ऑल्सो नोन एज मेंटल कोर या क्रस्ट, तो क्या होगी ये, क्रस्ट, ठीक है, ये हमने पढ़ा था लिथोस्फीयर के बारे में. द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस फॉर प्लांट्स टू मेक देयर फूड इज कार्बन डाइऑक्साइड. द प्रोटेक्टिव लेयर इन द एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ ओजोन, ये हमें अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है सन की. अबाउट 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, 71% किससे कवर्ड है, वाटर से. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर भी फिनिश हुआ. Thank you.